सबसे बड़ी दुविधा जो वर्तमान विद्यार्थी है, क्योंकि लगभग बीएड करने वालों में एमए भी कर रखी है, तो कुछ ये सोचते हैं कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की भर्ती जल्दी आने वाली है, कुछ सोच रहे हैं कि सेकंड ग्रेड की करें, कुछ सोच रहे हैं कि रीट की करें, कुछ सोच रहे हैं किसी की न करें, कुछ सोच रहे हैं तीनों ही करें। तो बात यह कि तैयारी करें किसकी। सबसे पहली बात तो यह है कि खुद को पूछो कि तैयारी करनी किसकी है, क्योंकि दूसरा आपके बारे में कुछ नहीं जानता है। मैं आपके बारे में कितना जानता हूं ये बताओ, आप ही जानते हो अपने बारे में, आपको क्या आता है ये आपको पता है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे जो 5-7 साल से स्कूल में पढ़ा रहे हैं 11वीं 12वीं में, तो वो क्यों रीट की ओर जाएंगे भी, उन्हें तो फर्स्ट ग्रेड की अच्छी तैयारी है तो उन्हें फर्स्ट ग्रेड में लगे रहना चाहिए, या फिर उन्हें सेकंड ग्रेड में लगा रहना चाहिए कि उनके सब्जेक्ट अच्छा है। जिस विद्यार्थी जिस स्टूडेंट का जिस टीचर का सब्जेक्ट अच्छा है उसे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की ट्राई करनी चाहिए। कुछ को ये भी कॉन्फिडेंस है यार कुछ नहीं है, रीट तो मैं ऐसे ही पास कर दूंगा, 90 है 90 में कैसी जुगाड़ कर लूंगा, पिछली बार मेरे 130 आए थे, आपकी बार 90 ही नहीं आएंगे, आ जाएंगे। अगर आप रीट इसकी तैयारी छोड़ भी दो, लास्ट एक महीने अगर आप मॉडल पेपर भी निकाल लो जिसके 130 है, थोड़ा सा लास्ट में रिपीट भी मार लेगा तो वो पास हो ही जाएगा आराम से। उसे किसकी तैयारी करनी, उसका अगर सब्जेक्ट अच्छा है तो वो सेकंड ग्रेड ही कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो जीके का पोर्शन वो लगभग जो है वो 60-70% सेम ही है। देखो रीट प्री और मैन नाम दे देता हूँ। प्री वो है जिसमें आपको पास होना है, मैन वो है जिसका अभी सिलेबस है। कुछ को ये नहीं पता था कि अभी जो सिलेबस है किसका था, वो मैन का था, वही मैन है, मुख्य वही है, उस परीक्षा में जो नंबर आएंगे वही सिलेक्ट होगा रीट के अंदर। उसके अंदर मुख्य रूप से जीके का मुख्य पोर्शन है, इसके अलावा साइकोलॉजी भी है, मैनेजमेंट भी है, करंट भी है और आपका विद्यालय विषय भी है। वही चीजें सेकंड ग्रेड के अंदर आ जाती है, विद्यालय विषय आपको पढ़ना पड़ेगा सेकंड ग्रेड के अंदर भी, लगभग चीजें पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा आपको साइकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, जीके का पहला पोर्शन पढ़ना ही पड़ेगा। तो दोनों वैसे देखें तो रीट का मैन और साइकोलॉजी लगभग सेम है। पहली बात, अगर आप पिछले 5-7 महीने से जिसकी तैयारी कर रहे हो आप उसी के लगे रहो। ये नहीं है कि बच्चों की तरह आप निर्णय लेना शुरू कर दो कि बच्चा कई बार की एक बच्चों दूसरे बच्चे ने देख के निर्णय ले ले, बोल वो भी नहीं तैयारी करे तो मैं भी नहीं तैयारी। आप नहीं, लगभग बच्चे रीट की ओर भाग रहे हैं, तो ये नहीं कि आप भी रीट की ओर भागो। आपका सब्जेक्ट अच्छा है आप क्यों भागो, आप 12 महीने से जिसकी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो रीट की ओर क्यों भागो भाई, आपको जरूरत ही नहीं है रीट की ओर भागने की। आपका सब्जेक्ट अच्छा है, अगर आप इसमें 90 अगर ले आए किसी तरीके से पास हो गए, बाकी तो सेम ही है, फिर जो आप सेकंड ग्रेड की कर रहे हो वही है, उसका सेम पेपर है भी, वो जीके वाला पोर्शन है वही रीट मैन का है, अंतर कितना है 60-70% सेम चीजें हैं, बाकी 15-20% मैनेजमेंट वगैरह का लग जाता है, वो है, सब्जेक्ट अच्छा है। दूसरी बात, अगर आप ऑलरेडी किसी नौकरी में, भले किसी भी नौकरी में होंगे आप, जैसे हो सकता है आप पुलिस वाले हो, आप तैयारी कर रहे हो, तो मेरा ये मानना है कि आप फिर फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड का अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा है तो आप फर्स्ट ग्रेड की ही करो। ऑलरेडी अगर नौकरी भी कई सालों से स्कूल में पढ़ा रहे हो, आपका सब्जेक्ट अच्छा है तो आप सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की ट्राई करो। फिर अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि रीट में पास कर लूंगा तो आप सेकंड ग्रेड का बराबर भी आप टाइम दे के आराम से कर सकते हो। लेकिन ये नहीं है कि आप कई बार ये सोच रही हो और रीट में तो 65,000 है, सेकंड ग्रेड में तो 10,000 के लमसम ही आए। तो जब जंग लाजमी हो तो कभी लश्कर नहीं देखे जाते, जब नौकरी लगना ही है तो फिर पद नहीं, पद तो ऐसे ही आएंगे, ये पद बंटने के बाद में सेकंड ग्रेड जितने ही रह जाएंगे, पदों को देख के कभी तैयारी नहीं होती, जितना हाई लेवल जाता जाएगा उतना पद हमेशा कम होते जाएंगे। तो रीट मैन जीके का पोर्शन ज्यादा है, फर्स्ट ग्रेड आप अगर कर रहे हो तैयारी तो फर्स्ट ग्रेड के लगे रहो, सेकंड ग्रेड की इच्छा है तो रीट में अगर आपको लगता है कि मैं पास हो जाऊंगा पिछली बार मेरा, तो आप दोनों को साथ में भी कर सकते हो। लेकिन फिर भी निर्णय आपका खुद का है कि आपको किसकी तैयारी करनी है। वो कहते हैं कि हो सकता है इस ह्यूमन में कितने ही आदमी होंगे और कितने ही सोच समझ के निर्णय ले लो, 10 में से 5 निर्णय तो व्यक्ति के गलत सिद्ध हो ही जाते हैं। आज जियो बहुत बड़ा बन गया है, बहुत बड़ा नाम है, लेकिन इससे पहले भी अंबानी कई योजनाएं लेके आए थे, घर घर वो देने वाला, वो घर घर फोन दिए थे एक बार, वो और भी कई योजनाएं, सारी योजनाएं फैल हो गई, एक जियो में सफल हो गए। बात यह है कि निर्णय अगर आपका गलत था, आप निर्णय ले रहे हो तो उसे सही सिद्ध करो, मेहनत करो भाई। अगर मान लो कि आपने गलत निर्णय ले लिया, कोई ये कह देगी ना रही टेम 65,000 है तो फर्स्ट ग्रेड लाग रहे, तो भैया मेहनत कर और इसे तुम सही साबित करने की कोशिश कर, सही साबित करना तुम्हारे हाथ में है, तो निर्णय लेना भी तुम्हारे हाथ में, उस निर्णय को सही साबित करना भी तुम्हारे। अगर कोई नया बंदा है तो उसे एक बार छोड़ो फर्स्ट ग्रेड सेकंड, उसे एक बार रीट की ही करनी चाहिए। जो एकदम फ्रेश बंदा है अभी आया है उसे रीट की ही करनी चाहिए एक बार, वो रीट में लगे रहो। हाँ, सब्जेक्ट में जिसकी रुचि है वो फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की कर सकता है।